बहुत सुंदर दिख रही है और ये बहुत ही टेस्टी भी है। जी हाँ, आज हम बनाएंगे इमरती। हेलो व्यूअर्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुँचें। बहुत ही बढ़िया इमरती बनकर तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। प्लीज़ आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा तो आप बिल्कुल बनाना सीख जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। ये देखिए, मैंने एक कप उड़द दाल को 3 से 4 घंटे भिगो के रखी थी। वजन में ये 150 ग्राम होगा। इसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे और अच्छी तरह से फाइनली ग्राइंड कर लेंगे। इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कीजिएगा। इसे आपको बिल्कुल इसी तरह से पीस लेना है जैसे क्रीम की तरह, और इतनी गाढ़ी इसकी बैटर होना चाहिए। अभी हम एक बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। आप इसे हाथ से भी फेंट सकते हैं या फिर चम्मच से। अभी मैं इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। इसके बदले आप चावल की आटा भी डाल सकते हैं 2 टेबलस्पून। आप इसे लगातार 5 से 7 मिनट फेंट लीजिए या फिर बैटर थोड़ा सा लाइट होने तक। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। एक कढ़ाई में मैंने पहले से 1 कप पानी और 1 कप चीनी डाली थी। अभी 1 कप डाल रही हूँ चीनी, मतलब हमें 2 कप चीनी में 1 कप पानी डालनी है। अभी मैं डाल रही हूँ 2 छोटी इलायची क्रश करके। मैं इस तरह से खोल के डाल दूँगी। चीनी अच्छी तरह से पानी में घुल गई है। अभी हम इसे पका लेंगे। 3 से 4 मिनट लो फ्लेम में पकाने के बाद हमें इसे चेक करना है। अगर ये हाथ में शहद की तरह चिपकता है तो इस स्टेज में आपको चाशनी को बंद कर लेना है। अभी ये हो गया है, मैं चूल्हे को बंद कर लूँगी। हमें क्रिस्टलाइजेशन को रोकने के लिए थोड़ा सा नींबू का रस, मतलब 1/4 के करीब नींबू का रस हमें डाल देना है इस तरह से। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। आपको लेना है एक चौड़ा प्यान, जिस तरह से मैंने ले लिया है। देखिए, मैं घी में यहाँ पर तल रही हूँ, आप ऑयल में भी तल सकते हैं। अभी हम जो बैटर रखे थे इसमें 2 पिंच के करीब ऑरेंज रेड फूड कलर डाल देंगे। इसे थोड़ा मार्केट स्टाइल लुक देने के लिए मैं इसमें कलर डाल रही हूँ, लेकिन कलर बिल्कुल ऑप्शनल है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के कलर मिला लेंगे। इसे कोई कोई अमृती भी बोलते हैं। घी को हमने रख दिए हैं चूल्हे पर गर्म होने के लिए। यहाँ पर मैं एक प्लास्टिक की थैली ले रही हूँ, इसमें मैं बैटर को भर लूँगी। हमने बैटर को भर लिए हैं, देख सकते हैं आप। इसमें एक रबर बैंड इस तरह से हम लगा देंगे। आपके पास अगर केक सजाने की पाइपिंग बैग है आप इसमें डाल सकते हैं। दूध की पैकेट, ऑयल की पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप इसमें एक कट लगाइए। ऑयल को आप अच्छे से गर्म कर लीजिए और फ्लेम को मीडियम पे रख लीजिए। अभी हम थोड़ा सा निकाल के देख लेते हैं। ये देखिए, ये तहते हुए ऊपर आ रहा है, मतलब ऑयल परफेक्ट गर्म है। अभी टाइम है इमरती को तलने का। ये देखिए, आप इसे 2 बार इस तरह से राउंड कीजिए और फ्लावर की तरह एक एक करके घुमाते हुए बनाइए। और एक बार मैं करके दिखाती हूँ, आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये अपने आप भी हो जाएगा। ये देखिए कितनी क्यूट दिख रही है ना। मैं चौड़ा प्यान इसीलिए बता रही थी क्योंकि हम एक साथ 4 से 5 इमरती तल सकते हैं। यहाँ पर और स्पेस है तो मैं यहाँ पर और 2 इमरती बना लूँगी। अभी ध्यान से देख लीजिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। मेरे चैनल में और बहुत सारी मिठाई की रेसिपीज़ है, मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा।
मैं एक ऊन की कांटा लेकर इसे उलट पुलट कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह की कुछ है तो आप इसमें कर लीजिए, और नहीं है तो आप सिंपल चम्मच से या फिर चिमटे से भी कर सकते हैं। तीन से चार मिनट इस तरह से उलट पुलट करने के बाद हमारा इमरती पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आप इसे निकाल के सीधे ही चाशनी में डाल लीजिए। चाशनी गुनगुना गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। आप इसे इस तरह से दो मिनट रख लीजिए चाशनी के अंदर और निकाल लीजिए। ये देखिए, बाकी दो भी मैं निकाल के चाशनी में डाल दूंगी। इसे भी हम चाशनी में डुबोने के लिए छोड़ देंगे एक से दो मिनट और इसे निकाल के रख देंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल को क्लिक कीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ। इस तरह से हम सभी बैटर को बना लेंगे। ये काम आपको थोड़ा होशियारी से करना है क्योंकि आप ऑयल के ऊपर ही डायरेक्टली बना रहे हैं। इतनी सुंदर दिख रही है और इतनी टेस्टी है, आप पूछिए मत। अभी इनमें से कुछ इमरती मेरे बच्चों के पेट में जा चुकी है और बची हुई इमरती को एक प्लेट में मैं डाल रही हूँ अभी, और ऊपर से मैं थोड़ा सा पिस्ता डाल के गार्निश कर रही हूँ। यहाँ इसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी इस इमरती को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।